आज का लाइव सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। चलेंगे सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे लाइव क्लास को। ओके गुड मॉर्निंग। यस चलेंगे आज का लाइव सेशन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे होंगे ओके, तो बहुत छोटा क्लास होगा आज का, बट ये थ्योरिकल पोर्शन होगा, इम्पोर्टेंट होगा, याद रखेंगे सभी बच्चे। ओके यस गुड मॉर्निंग। चलेंगे आज का लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला गाइस। ओके बहुत ही छोटा पॉइंट आज का। ओके बैटरी के बारे में आज बताना है। ओके चलेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ठीक है, कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से बैटरी होते हैं उसके बारे में आज आपका क्लास होगा। हम भी लॉग इन हो ले, चलिए यस यस चलेंगे। अब लॉग इन हो गए, मैं भी क्लास स्टार्ट कर देता हूँ आप लोगों का। ओके सो गाइस आज का क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ राइट नाउ। ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलोगे तो आज का क्लास आपका प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी बोलो सेल बोलो, सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा बैटरी किसको बोलोगे ठीक है। सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा बैटरी किसको बोलोगे। उसके बाद आप लोग को जब ऑर्गेनिक पढ़ा रहे थे तो एक इंडिकेशन बताए थे, प्राइमरी को किससे इंडिकेट करेंगे और सेकेंडरी को किससे इंडिकेट करेंगे, याद है किसी बच्चे को तो कमेंट सेक्शन बताओ। यस चलो गुड मॉर्निंग, किसी भी बच्चे को याद है तो कमेंट सेक्शन बताओ फटाफट से, प्राइमरी को किससे इंडिकेट करेंगे और सेकेंडरी को किससे। बैक क्लास में इसको हम बता चुके हैं ऑर्गेनिक में। यस चलोगे अमृतेश वेरी गुड। चलो तो सिंपली हाँ यस वन से टू से एकदम सबको समझ में आ रहा है ठीक है। चलो जुई सिंपली सभी बच्चे को पता होगा ठीक है, वन टू वो कार्बन नहीं देना है यहाँ पे ठीक है, बैटरी के बारे में आप पढ़ना है। तो यहाँ सबसे पहले ये समझिए बैटरी बोलेंगे किसको, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो तो हम आज आपको बताने वाले प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी के बारे में, फिर इसके अंदर जो जो बैटरी आएंगे उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चलेंगे बैटरी किसको बोलते हैं इसको समझिए, बैटरी किसको बोलते हैं। ओके तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए आप लोग, उसके बाद तो टोटल पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा इसका। वेरी गुड, तो सबसे पहले आप देखेंगे जितने भी अभी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो पढ़ रहे थे, जितने भी छोटे छोटे रिएक्शन होते हैं उसमें केमिकल एनर्जी, मैं बार बार बोलता हूं केमिकल एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है ठीक है, केमिकल एनर्जी एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सभी को पता होगा ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होता है कि कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं, याद रखेंगे देखो कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो इस साइड से इस साइड भी आ सकता है और इस साइड से इस साइड भी आ सकता है। यदि इस साइड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा रहा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जा रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल, या हम उसको हिंदी में उत्क्रमणीय भी बोल सकते हैं ठीक है। तो इसको याद रखना, या कुछ ऐसे भी रिएक्शन है केवल इस साइड से उस साइड जा रहा, यानी केवल वो फ्रंट साइड जा रहा बैक नहीं आ रहा, इसको भी याद रखेंगे ठीक है। ये चलो तो सिंपली आज का जो क्लास होगा बैटरी के बारे में, देखो किसी एक सेल में एक बार में एक ही रिएक्शन हो सकता है, याद रखना किसी एक सेल में एक बार में केवल एक ही रिएक्शन हो सकता है, या तो वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जा सकता है या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा सकता है, इस चीज को याद रखना ठीक है। लेकिन आज की डेट में हम लोग जो गैजेट यूज करते हैं उसमें एक बार में दोनों रिएक्शन होता है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, सभी बच्चे के पास मोबाइल होगा 100%, कभी आपको ऐसा चांस मिला होगा 100% मिला होगा, दिन में भी रात में भी जब आप लेटे रहते तब पर भी, कब जब आप मोबाइल चार्ज में भी लगाते हो ठीक है, तो मोबाइल चार्ज हो रहा है फिर उसको क्या करते हो यूज भी कर रहे हो तो मतलब वो डिस्चार्ज भी हो रहा, तो उस समय क्या हो रहा दोनों कंडीशन हो रहा, चार्ज भी हो रहा और डिस्चार्ज भी हो रहा, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो सबसे पहले देखिए
छोटे छोटे सेल जो होते हैं, या उसको आप बैटरी भी बोल सकते हो, ठीक है, कई सारे सेलों को यहां पर कंबाइंड किया जाता है। देखो, कई सेलों के समूह को सिंपली बैटरी कहा जाता है। एक ही लाइन में देख लो, ज्यादा इधर उधर नहीं करना, कई सारे सेल को कंबाइंड कर दोगे उसी को हम बैटरी बोलेंगे, और कुछ नहीं करना। अब देख लो, सेल तो सभी बच्चे को पता होगा, वैसा युक्ति होता है जिसमें केमिकल एनर्जी चेंज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वैसे डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अब कई सारे सेल को जोड़ते हैं तो वह एक बैटरी बन जाता है। अब यह बैटरी बड़े 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 डिवाइस को चला सकता है, कार को चला सकता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज के डेट में इलेक्ट्रिकल कार आ रहा, तो उसमें क्या चीज यूज किया गया, कई सारे छोटे छोटे लिथियम आयन वाले बैटरी को जोड़ दिया गया। लिथियम आयन वाले बैटरी को जोड़ करके बहुत बड़ा बैटरी बना दिया गया और उसको कार में जोड़ दिया गया, तो वो कार आपका 300, 400, 500 जितना कैपेसिटी होगा इसका उतना दूर तक जाता है, सभी बच्चे को पता होगा। वेरी गुड, चलो तो आज आप लोगों को ये क्लास क्लियर करना बैटरी का। चलो, सिंपली सेल किसको बोलेंगे, वैसा युक्ति जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है उसको सेल बोलेंगे। कंटिन्यू, चलो अब देखो बैटरी किसको बोलेंगे, कई सारे सेलों के समूह को, ठीक है, बैटरी बोला जाता है, कई सारे सेल को एक साथ जोड़ देंगे वो बैटरी का लगा। अब ये बैटरी होते कितने प्रकार के, देखो कभी कभी याद रखना बैटरी को सेल भी कहा जाता है, समझ में आ रहा, बैटरी को सेल भी लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, याद रखना। ओके, यस यस, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, वेरी गुड, कंबाइंड रहेगा। चलो तो इसमें देखेंगे दो टाइप के होंगे, एक 1 डिग्री बैटरी होगा, दूसरा 2 डिग्री बैटरी होगा। 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी, आपको हम बैक क्लास में ही बता चुके, जब भी आपको केमिस्ट्री में डिग्री नजर आए मैथ वाला पोर्शन अलग है, वो टाइप समझ लेना उसका। 1 डिग्री में प्राइमरी आएगा और 2 डिग्री में सेकेंडरी आएगा, ठीक है। तो चलो इसको हम लेबोरेट करते आगे नेक्स्ट स्लाइड में विस्तार से, समझे इसको, बैटरी या इसको सेल बोलेंगे, ठीक है। ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, आज आप लोग को क्लियर करना, ये छोटा क्लास है, ठीक है, उसके बाद बैटरी का जितना भी टाइप आएगा सबको हम अलग अलग करके बताएंगे एक एक क्लास में। ओके, ये लिथियम आयन सुन लेंगे, लिथियम बैटरी है अमन, ठीक है ना, लिथियम एलिमेंट है, हाँ, एलआई आयन लिखा जाता है शॉर्ट आउट में, सुन लेंगे, एलआई स्पेस रहता आयन, इसका मतलब होता है एलआई पे चार्ज प्लस। ओके, इसको ऐसा लिखा जाता है, आप लोग के मोबाइल में जो बैटरी लगा होता है ना, ये लिथियम आयन का बैटरी लगा रहता है, जिसको आप लिथियम या लिथेनियम मेटल है, सबको पता है ग्रुप 1 का, ठीक है ना। चलिए, विस्तार से इसके बारे में हम बैक क्लास में बता चुके हैं, अब ज्यादा उस पर डिटेल्स नहीं जाएंगे, फिलहाल आप बैटरी पे आइए। तो बैटरी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये 2 टाइप के होंगे, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। आप प्राइमरी सेल किसको बोलोगे, जरा सा इसको समझो, जिसको केवल और केवल डिस्चार्ज किया जा सकता है, आवेशहीन, जिसको केवल आप डिस्चार्ज कर सकते हो। सोचो, दिमाग लगाओ, कौन कौन से बैटरी है जिसको आप चार्ज नहीं कर सकते हो, सभी बच्चे को पता होगा, यस, वेरी गुड, चलो चलेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सुन लेंगे। इसमें सभी बच्चे को यह भी पता होगा, ठीक है, आप लोग ड्राई सेल का यूज करते हो, शुष्क सेल, जिसको आप लोग लेक्लांसे सेल के भी नाम से जानते, चूंकि लेक्लांसे वैज्ञानिक ही सबसे पहले ड्राई सेल के बारे में बताया था, इसलिए ड्राई सेल यानी शुष्क सेल को कभी कभी लेक्लांसे सेल भी उसको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वह वैज्ञानिक के ही नाम से दिया गया। ओके, चलो, वेरी गुड। अब दूसरा आप देखिए, इसको पेंसिल बैटरी भी नाम रखा गया। दूसरा, आप लोग मरकरी सेल को भी जानते होंगे, मरकरी सेल को भी जानते होंगे, मरकरी सेल मतलब जो आप घड़ी में यूज करते हो, छोटा छोटा घड़ी में या खिलौने में, उसको मरकरी सेल बोलेंगे। ये सेल ऐसे सेल हैं जो केवल जैसे घड़ी में लगा हुआ बैटरी डिस्चार्ज हो गया उसको फेंक देते हो, कहानी खत्म। या फिर आप लोग रेडियो में या मान लें खिलौने में जो बैटरी यूज करते हो, घड़ी में यूज करते हो, डिस्चार्ज हो गया उसकी कहानी खत्म। सेकेंड देखो क्या होता है, ये जिसको हम लोग चार्ज और डिस्चार्ज, चार्ज और डिस्चार्ज दोनों कर सकते हैं, उसको सेकेंडरी बैटरी बोलेंगे, एक लाइन में। ओके, चलो
सिंपली आप देखिए ये दोनों में कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है, ये दोनों में कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है। तीन चार पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, उसको नोट करते जाएंगे। अब देखिए ये यदि डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, यूज का रिपीटेशन हो सकता है, यस नो, नो रिपीट, इसको हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं, यस, इसको कई बार हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम कई बार रिपीट कर सकते हैं, याद रखना सही बच्चे, क्योंकि चार्ज डिस्चार्ज होता है, जितनी इसमें जो भी मेटल का बैटरी होगा उसकी जो कैपेसिटी होगी उतना टाइम तक हम इसको चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। मिनिमम इसकी जो एवरेज आयु होती है, सभी बच्चे देख लेंगे, 18 महीने का होता है, इसकी एवरेज आयु 18 महीने, याद रखना, इसका अभिक्रिया जो होता है ना स्टार्ट रहता है। दूसरा, इसका जो एवरेज आयु होता है 5 to 7 years, ओके ओके, वेरी गुड, चलो दूसरा, ये तो आपको हो गया। अब देखेंगे होता क्या, इसमें जो रिएक्शन होते हैं उसको जरा सा समझिए, इसमें रिएक्शन केवल फ्रंट की ओर होगा, मतलब केवल डिस्चार्ज हो सकता है, तो इसमें रिएक्शन केवल फ्रंट होगा, ओके, अब इसमें रिएक्शन क्या होगा, इसमें जरा सा देखो, इसमें रिएक्शन रिवर्स भी होगा, इसमें रिएक्शन रिवर्स भी होगा, इधर से उधर जाएगा भी और उधर से इधर आएगा भी, ओके ओके, चलेंगे। अब दूसरा, प्राइमरी को रिपीट नहीं कर सकते हैं, उसका रीजन मैं बता रहा हूं, वेट करेंगे ना, टोटल आपका आज जो डिफरेंस होगा ना ये क्लियर होगा, उसके बाद इसमें जो भी बैटरी आएगा उसको अलग बताएंगे, इसमें जो भी बैटरी आएगा इसको हम अलग बताएंगे, पॉइंट वाइज करके चलते, एक एक करके, प्राइमरी सेकेंडरी आपको समझ में आ गया होगा। हम सॉर्ट आउट करते हैं, यहां पर लिखते हैं 1 degree, यहां पर लिख देते हैं 2 degree, ठीक है, सिंपली आप इसको समझ लीजिए, यह बैटरी हो जाएगा आपका, यह सेल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 degree और 2 degree। अब देखेंगे इसका पहला रिएक्शन, पहला डिफरेंस, दोनों में कम से कम 5-7 डिफरेंस याद रखना, एक दो डिफरेंस शॉर्ट में आपको पूछा जाता है, उसको लिख देना, कहानी फिनिश, ओके, चलेंगे। तो सिंपली यहां पर देखेंगे इसका रिएक्शन केवल अग्र, मतलब केवल आगे की ओर होगा, उसको दूसरा शब्द में हम लिख सकते हैं अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय मतलब केवल इधर से रिएक्टेंट से यह प्रोडक्ट की ओर जा सकता है, रिटर्न नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसका कुछ बच्चे बोले उसका कारण, कारण भी बताएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो। अब दूसरा इसका क्या होगा, अग्र भी होगा और पश्च भी होगा, यानी आगे भी होगा पीछे भी होगा, इसको बोला जाता है अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, चलो देख लो, उत्क्रमणीय भी क्रिया इसमें होगा और दूसरा आपका प्राइमरी में केवल अनुत्क्रमणीय होगा, ओके फिनिश, एक पॉइंट आपका फिनिश, वेट करेंगे, लेकिन इसमें कुछ बच्चे क्लियर किए हैं कि केवल एक ही साइड रिएक्शन कैसे होगा, उसको मैं क्लियर करूंगा, ओके। दूसरा चरस, दूसरा इसके, इसका हम केवल एक बार यूज कर सकते हैं, ओके, इसके उपयोग को दोहराया नहीं जा सकता, याद रखना सभी बच्चे, क्वेश्चन में एक पलट के देख लेना, क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोहराया नहीं जा सकता है, रिपीट नहीं कर सकते हैं, बट याद रखना सभी बच्चे, इसके उपयोग को दोहराया जा सकता है, दोहराया जा सकता है, चलो सिंपली आप देखो, दूसरा क्या है, इसे केवल डिस्चार्ज किया जा सकता है, इसे केवल आवेश ही डिस्चार्ज किया जाता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब जरा सा उस साइड चलो, इसको क्या क्या किया जाएगा आप लोग बता दो, चार्ज एंड डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज दोनों इसको किया जाएगा, ओके, आवेश युक्त और आवेशहीन इसको दोनों कर सकते हो, ओके, छोटा क्लास है केवल, आज आपको बताएंगे अलग अलग, अब इसमें आएंगे कौन कौन सा जरा सा देखो, सभी बच्चे देखो इसमें कौन कौन आएंगे, एक आपका ड्राई सेल आएगा, जिसको आप पेंसिल बैटरी भी बोलते हो, लेक्लान से भी बैटरी बोल सकते हो, एचजी सेल आएगा, मर्करी सेल भी आएगा इसमें, ठीक है, कई सारे सेल आते हैं, ओके चलो,
मेनली आपका ये दो इंपॉर्टेंस है दिया गया बुक में, उसको हम बता देंगे कैसे रिएक्शन होगा, क्या क्या होगा। इसमें जरा से देखो क्या क्या होता है, आपके जो मोबाइल में बैटरी लगी हुई लेंथेनियम आयन का, दूसरा आप लोग जो कैमरा में बैटरी देखते हैं वो भी चार्ज डिस्चार्ज होता है, निकेड उसको बोला जाता है, याद रखें निकेड का पूरा नाम होता है निकेल और कैडमियम वाला बैटरी, ठीक है। दूसरा आपके घर में जो इन्वर्टर वाला बैटरी होगा, लेड स्टोरेज, ठीक है, PVSO4 PV का बैटरी, उसके बारे में आप लोग को अलग अलग बताएंगे, ठीक है। चलो इस बैटरी के बारे में अलग अलग चलेगा, इस बैटरी के बारे में अलग अलग चलेगा। ओवरऑल जो इसका एवरेज आयु होती है 1.5 या डेढ़ साल, इसका जो एवरेज आयु होती है 5 to 7 years, ठीक है, इसको याद रखना। अब देखेंगे, अब इसमें आप लोग सभी बच्चे को पता होगा यह बैटरी धीरे 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 स्लो होता है, इसमें अभिक्रिया धीरे 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 मंद हो जाता है, बट इसमें क्या होगा, अभिक्रिया प्रारंभ से अंत तक एक समान रहता है। ओके, चलो इसको फटाफट से तुम लोग नोट करते जाओ, 5-7 आप लोग को केवल आज बताने हैं। ओके, चलो अब क्वेश्चन था कि इसका हम एक बार यूज क्यों करते हैं, उसको रिपीट क्यों कर सकते हैं। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, इसके उपयोग को दोहराया नहीं जा सकता, इसको दोहराया जा सकता है कई बार, जिसको हम चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे, इसको केवल हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, इसको चार्ज डिस्चार्ज दोनों कर सकते हैं, इसलिए इसके उपयोग को कई बार दोहराया जा सकता है। चलिए दूसरा, इसमें ड्राई सेल आएंगे, लेक्लांसे सेल या पेंसिल बैटरी, इसमें एचजी सेल भी आएंगे, इसमें देखिए लिंथेनियम आयन आ जाएगा, निकेल कैडमियम बैटरी हो जाएगा, PVSO4 या PVO2 PV बैटरी हो जाएगा, जिसको लेड स्टोरेज बैटरी बोलेंगे। इसमें भी क्रिया देखिए, रेडियो में जब यूज किया होगा तो शायद आपको पता होगा, ये जैसे 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 इसका टाइम निकलता जाता है, ये धीरे 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 स्लो होते जाता है, मतलब इसका अभिक्रिया बंद, अभिक्रिया धीरे धीरे स्लो होगा तो इसका मतलब लास्ट में जाके ये बंद हो जाएगा। अब कैसे बंद होगा उसको अभी समझाएंगे आगे। अब इसमें जरा सा देखेंगे, 5 से 7 साल ये चलेगा, 1.5 साल 18 महीने फिक्स, यूज करो ना करो 18 महीने के बाद ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, अभिक्रिया जो होगा शुरू से अंत तक, आप लोग मोबाइल में यूज करते हो, शुरू से अंत तक एक जैसा चार्ज देता है, हाँ लेकिन परसेंटेज लिखाता है कि अभी आपकी बैटरी इतना परसेंटेज बचा हुआ, ये सभी बच्चे को पता होगा। यस, ड्राई सेल शुष्क सेल है, ठीक है, शुष्क सेल मतलब उसमें बिल्कुल भी H2O की मात्रा नहीं होगी, वेरी गुड। चलो अब तुम लोग को हम ये क्लियर करें सही बच्चे को, ठीक है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल का, प्राइमरी सेल 1 डिग्री, इसको मैं क्लियर करूं। अब देखिए सभी बच्चे को पता होगा, वर्बली आज केवल बता रहे, बाद में की नेक्स्ट क्लास में इसको हम विस्तार से बताएंगे। आप लोग जब नया बैटरी देखते हैं तो उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ था, ठीक है, उस कवर को एक काम कीजिए हटाइए, इसके ऊपर जो कार्डबोर्ड लगा हुआ था इस कार्डबोर्ड को आप हटाइए। जैसे इस कार्डबोर्ड को आप हटाओगे तो आप देखोगे नॉर्मल एक इसके साइड में एक आपको काला सिल्वर जैसा चमकता हुआ एक लेयर दिखाई देगा, यह लेयर जिंक का रहता है या नहीं रहता, यस नो, ओके वेरी गुड, यह जिंक का लेयर रहता है, लेकिन वेट करो, इसके अंदर एक पेस्ट भी भरा रहता है, देखेंगे इसके अंदर एक पेस्ट भरा रहता है NH4Cl का, अमोनियम क्लोराइड का एक पेस्ट भरा हुआ रहता है, यस नो, बिल्कुल हाँ। देखिए सभी धातु, मैं बार बार बोलता हूं, सभी धातु का एक लिमिटेशन होता है, उसके बाद वो स्वतः क्या चीज संचारण होकर के वो खत्म होता है, देखिए समझिए ना। अब देखिए जिंक क्या करेगा, NH4Cl से भी क्रिया करता है, जिंक NH4Cl से भी क्रिया करता है, जब NH4Cl से भी क्रिया करेगा तो प्यारे बच्चों देखोगे तुम कुछ दिनों के बाद देखना, ये जो आपका ऊपर वाला ये जो था जिंक जो कूट के अंदर था कार्डबोर्ड के जो अंदर था, ये जो आपका जिंक था कुछ दिन बाद ये चेंज हो जाता है ZnCl2 में, कुछ दिन के बाद ये चेंज होता है ZnCl2 में। अब देखिए होता क्या है, ये उजला अवक्षेप रहता है। अब कुछ दिन के बाद बैटरी को फोड़ो, यानी कितने दिन के बाद, 18 महीने बाद,
यूज करोगे तो पहले समाप्त हो जाएगा, रखा रहेगा तो 18 महीने के बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये बैटरी बनता है ये दोनों में रिएक्शन शुरू हो जाता है, रिएक्शन शुरू होता है बैटरी यूज करो ना करो 18 महीने बाद ये स्वतः खत्म हो जाएगा। यदि यूज करते हो तो जितना इसकी कैपेसिटी होगी 10 दिन 15 दिन 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अब देखिए इसके ऊपर में था जिंक, जब NH4Cl से अभिक्रिया कर लिया तो बन गया ZnCl2 उजला अवक्षेप। अब बैटरी को फोड़ते तो इसके साइड से उजला निकलता है कि नहीं निकलता है, खत्म होने के बाद स्टार्ट में देखेंगे ये काला टाइप का था ये खत्म हो गया, ये उजला टाइप का। अब ये है ही नहीं जिंक, जिंक है ही नहीं, जिंक आपका खत्म हो चुका है तो बताइए बैटरी कभी चार्ज हो सकता है? नहीं होगा। यस वेरी गुड, नहीं होगा। इसका मतलब तुम डायरेक्ट समझ लो कि ये बैटरी अब यूजलेस हो गया। तो यूजलेस होता जब इसको फेंकते हैं तो याद रखेंगे सही बच्चे क्या क्या होता है, जरा सा देखो, मिट्टी प्रदूषण होता है कि नहीं होता है, दूसरा रासायनिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण के अंतर्गत सभी चीज आ जाएंगे इसमें, पानी मिट्टी जल जो भी आप कहो सब कुछ आ जाएगा। एक ड्रॉबैक है 1°C का, ये एक ड्रॉबैक है प्राइमरी सेल का, सभी बच्चे याद रखना प्राइमरी सेल का ये है एक बैड फैक्टर है, ये प्रदूषण फैलाता है खत्म होने के बाद। ये सबका क्लियर हो गया यहां तक? चलो अब दूसरा हम साइड चल रहे हैं। ओके तो क्या करना चाहिए इस बैटरी का, जितना कम से कम यूज हो, ठीक है आज के डेट में तो बहुत बहुत कम इसका यूज होता है, ठीक है मैक्सिमम बच्चे या आज के डेट में टॉर्च कौन यूज करता है, सबके पास मोबाइल है उसी में सब जला लेता। ओके चलिए थोड़ा सा दूसरा साइड चलते हैं, इसलिए इसका यूज ऑलरेडी कम हो चुका है, ठीक है ना, आज की डेट में सभी चार्जेबल यूज कर रहे हैं। ओके चलो गुड, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे हम सेकेंडरी सेल का, ठीक है देखोगे 2° सेल का। सेकेंडरी सेल में जितने भी बैटरी होंगे याद रखना सब, जितने भी टाइप के बैटरी होंगे, मान लो ये एक्स कोई भी मेटल का है, चाहे वो निकल कैडमियम का हो, ओके या फिर आपका PbO2 का हो जिसको लेड स्टोरेज बैटरी बोलोगे, या लिथियम आयन वाला बैटरी हो, कोई भी बैटरी हो याद रखना, मान लो ये हमारा एक्स है, ये क्या किया ना कि इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ठीक है ये इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो ये बन गया आपका, मान लो दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो दो ठो चार्ज दो ठो इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ याद रखना, दो ठो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ सभी बच्चे को पता है। अब कुछ देर के बाद वाई इसी में दूसरा एक एलिमेंट था, दूसरा एक पोल था वाई, दूसरा धातु मान लो वाई है, तो ये क्या क्या इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो ये क्या करेगा ग्रहण करेगा, तो ये प्लस प्लस ऑलरेडी पहले से दो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन गया वाई, यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसका हो गया रिडक्शन। जरा से देखो यहां पर आज क्लियर कर देंगे प्राइमरी सेकेंडरी को, ये बचा क्या एक्स प्लस ये क्या चीज वाई पर चार्ज प्लस प्लस, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा जरा सा देखो, उस साइड जाएगा तो एक्स प्लस 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 वाई, यदि ऐसा रिएक्शन हुआ सभी बच्चे देख लो, यदि ऐसा रिएक्शन हुआ तो यह केवल डिस्चार्ज हो सकता है, ये केवल और केवल डिस्चार्ज हो सकता है याद रखना, ठीक है वेट करो क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको बता रहे हैं सेकेंडरी सेल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और यह टर्म को हम बार बार यूज करेंगे। अब देखिए डिस्चार्ज कौन होता है तो 1° याद रखें, डिस्चार्ज कौन होता है 1°, लेकिन इसको चार्ज भी तो करना है ना, जैसे हम लाइन पे लगाते हैं उसमें एक कन्वर्टर लगा हुआ रहता है, कन्वर्टर क्या करता है एक्सचेंज कर देता है, तब एक्सचेंज क्या करता है इस साइड आएगा तो उल्टा, इस साइड आएगा तो ये क्या कर रहा है जरा से देखो वाई वाई इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, उस साइड से इस साइड आएगा तो ये ऑक्सीडेशन, बहुत कमाल की चीज अभी बता रहे, देखो इस साइड से उस साइड जा रहा तो इलेक्ट्रॉन ले रहा तो इसका रिडक्शन, लेकिन उल्टा हो रहा है वाई है और वाई इस साइड आएगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो ऑक्सीडेशन। अब दूसरा जरा से इसको चेकआउट करो, ये क्या कर रहा है बेचारा, ये प्लस चार्ज है इलेक्ट्रॉन लेकर के ये केवल एक्स बना, यदि इस साइड आएगा तो ये रिडक्शन हो जाएगा, देखो बहुत ही कमाल की चीज है ये। यस ओके इसको हम यूज करेंगे आगे याद रखना, जब डिस्चार्ज करते हैं, जब डिस्चार्ज करते हैं तो ये हो जाता है माइनस ये हो जाता है प्लस, सभी बच्चे को पता होगा यानी ये हो जाता है एनोड ये हो जाता है हमारा कैथोड, सभी को पता होगा, लेकिन जैसे हम इसको चार्ज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है समझ लो, बुक में नहीं होगा बट हम इसका यूज बार बार करेंगे तो आपको दिक्कत होगा इसलिए कहते हैं इसको नोट कर लो। देखो जैसे इसको चार्ज करेंगे तो उस साइड से इस साइड आओ क्या हो जाएगा जरा से देखो, इलेक्ट्रॉन ये ले रहा और वाई बन जा रहा तो ये हो जाएगा कैथोड, देखो एकदम आराम से कैथोड मतलब ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि उस साइड से साइड आ रहा है उल्टा आ रहा है,
उल्टा रहा तो चेंज भी होगा सब कुछ ना। ओके क्लियर हो रहा? हाँ यस यस यस, इक्विलिब्रियम स्टेट में ही होता है, पहले ही बता चुके हैं। ओके चलो दूसरा, उस साइड से साइड आ रहा तो ऑक्सीडेशन हो रहा, बिकॉज ये वाई है, वाई इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो ये हो जाएगा आपका एनोड। एनोड होगा तो इसका पोल चेंज हो जाएगा। अब देखो जब उस साइड से इस साइड आ रहे हैं तब आप बताओ क्या होगा, तब ये हमारा होगा चार्ज। ओके उस साइड से इस साइड आएंगे तो चार्ज होगा, ये सब पोल चेंज हो जाएगा, लेकिन इस साइड से उस साइड जाएगा तो केवल डिस्चार्ज होगा, पोल आपका वही रहेगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा चार्ज और डिस्चार्ज कैसे होता है। ये सुनो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तब हम आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया आपका चार्ज डिस्चार्ज वाला प्रोसेस? यस वेरी गुड। अब देखिए सिंपली इस प्रोसेस को हम एक क्षमता होती है, ठीक है, मान लो 500 टाइम्स इसकी क्षमता है तो 500 बार हमने चार्ज डिस्चार्ज कर लिया तो समझ लीजिए कि वो बैटरी हमारा समाप्त हो गया, ठीक है ना। 500 बार चार्ज डिस्चार्ज कर लिया समझिए वो बैटरी समाप्त। मान लो उसकी क्षमता 1000 टाइम्स है, 1000 बार है, तो 1000 बार हम जितना दिन में उसको चार्ज डिस्चार्ज कर ले, ठीक है, जितने दिन में हम उसको चार्ज डिस्चार्ज कर ले वो हमारी बैटरी खत्म हो जाएगी उतने दिन में, या 2000 कैपेसिटी होती है, जितना बार उसको हम चार्ज डिस्चार्ज कर सकते उतना ही टाइम तक वो चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ओके तो कुछ बच्चे का कहानी ये था कि ये खत्म क्यों हो जाता मोबाइल का बैटरी। प्यारे बच्चों याद रखेंगे उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, उसके बाद वो चार्ज ना होगा ना डिस्चार्ज होगा, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये सुनो वेरी गुड। चलो यस चलिए, तो सबसे पहले आज आप लोगों को हम HW देके जा रहे हैं, उसको नोट करके आप लोगों को कमेंट सेक्शन बताना, ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीयक बैटरी में अंतर, प्राथमिक एवं द्वितीयक बैटरी में अंतर, ठीक है, इसको लिख करके आप लोग को सेंड करना है, उसके बाद आप लोग को हम नेक्स्ट क्लास के बारे में बता रहे हैं। ओके यस पहले ही बोले बहुत छोटा क्लास है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो आपका हम बताने वाले हैं उसमें आपको सबसे पहले फ्रेश करेंगे आज आफ्टरनून में लॉग एंटी लॉग, ठीक है। चलो आफ्टरनून में आज आपको क्लियर करेंगे लॉग एंटी लॉग, उसके बाद न्यूमेरिकल हमें स्टार्ट करेंगे। कौन कौन सा जरा सा देखोगे, गिब्स एनर्जी के बेस पे न्यूमेरिकल होगा एक, और दूसरा जो होगा नर्स्ट इक्वेशन के बेस पे, दो बेस पे आपका हम क्लास लेंगे आज न्यूमेरिकल का, ठीक है। जिन बच्चे को नहीं पता उनको बता दीजिएगा, लॉग का बता चुके हैं, आज लॉग एंटी लॉग दोनों का टेबल देखने के लिए बताएंगे। यस ओके चलिए, तो आज का क्लास इतना ही। आज आप लोग प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का कमेंट सेक्शन जरूर बताना, लिख करके हो या आप टाइप करके, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।